हाय गाइस, आई गौरी शर्मा फ्रॉम माइकोन स्कूल। सो आज हमारा टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंशियल। हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे फॉर्मूला बेस्ड, उसी का हमें एक टाइप दे रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 5² ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ये था कि ए की पावर अगर एम हो और ब्रैकेट में उसकी होल पावर एन हो, कोई भी अलग अलग पावर या फिर सेम पावर हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों पावर्स होल में है, ये 5² और इसकी पावर स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पावर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। सिंपल, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया 2 2 4, ये तो क्या बन गया 5 की पावर 4। अब हमें क्या करना है, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 5 जा 25, इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 5 5 जा 25, 2 इधर 10, 5 2 जा 10, 10+2 12, प्लस का साइन आएगा, 2 5 जा 10 1 10, 2 2 जा 4 4+1 5, तो क्या बन गया 6 2 5। यही हमारा आंसर है। हमने कुछ नहीं किया है, बस ये किया है कि जो पावर होल में थी, उन दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना 5 की पावर 4 और 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले का यूज हो रहा है, बस मैं ये बताना चाह रही थी इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ठीक है। अब होमवर्क में आपको क्वेश्चन ये दे दूं, 3 की पावर 2 ब्रैकेट 3, तो क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 6, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना और उसमें आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए आपका सेकंड क्वेश्चन फ्रैक्शन में ले रहे हैं, -1/3 की पावर 3 ब्रैकेट स्क्वायर 2, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पावर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए -1/3 ब्रैकेट में आया क्योंकि माइनस में, 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 जा 6, -1/3 6, हमें करना है 6 पर मल्टीप्लाई -1/3 को, -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 और 2 3 4 5 मल्टीप्लाई -1/3। अब कर दीजिए इनको मल्टीप्लाई। देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर है और उसकी पावर में कोई इवन नंबर है, तो उसका जो माइनस इन, उसकी पावर में कोई इवन नंबर है तो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, -3 की पावर 1, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम करेंगे, ये नंबर क्या है, इवन नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4, और -(-) = +। तो देखिए इसमें जो पावर है वो भी इवन नंबर है, 6 6 एक इवन नंबर है, तो मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अब अपन नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 को कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, अपॉन 3 3 जा 9, ठीक है, पहले हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, -(-) + -(-) + मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, -(-) = +। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 9 9 जा 81 और 81 मल्टीप्लाई 9, देखो 9 1 जा 9 9 8 जा 72, तो क्या आया मल्टीप्लाई करने पे, 1/7 to 9, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसी टाइप में होगा कि क्वेश्चन दे रही हूँ, ब्रैकेट 1/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 4, क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 1/2 की पावर 8, और 1/2 को हम 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको 6 बार मल्टीप्लाई किया ऐसे इसका आंसर आया। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होती है। मैं बस आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रही थी, ये फॉर्मूला है a की पावर m का ब्रैकेट n, तो ये क्या होगा, दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। सो क्वेश्चंस के द्वारा मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस याद करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा। तो आज की वीडियो खत्म होती है, कल एक अच्छी वीडियो के साथ।